मानसून के शुरुआती दस्तक के बाद से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर अब लोगों को बाढ़ की आशंका से भयभीत कर रही है। इस बीच नेपाल से निकलने वाली धौस नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण मधवापुर के विशनपुर पंचायत अंतर्गत पकरी गांव की ग्रामीण सड़क धौस नदी में समा चुकी है और वार्ड एक के 250 परिवारों का संपर्क टूट गया है। नदी के कटाव के कारण दर्जनों घर नदी में समाने के कगार पर पहुंच चुका है। ग्रामीण जरूरी सामान लाने अथवा दवा या डॉक्टर के पास जाने के लिए नदी में कमर भर पानी को हेल कर जाते हैं, जिससे आज ही जाकर ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। बताते चले कि बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर जल संसाधन विभाग की टीम, स्थानीय विधायक इस स्थल पर पहुंचकर मुआयना भी कर चुके हैं, लेकिन सब कागजी साबित हुआ। समस्या निदान को लेकर अब तक कोई पहल नहीं की गई है, जिसके कारण इलाके के लोग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या आप बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर? अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो न्यू बैच शुरू हो रहा है इंटेलिजेंट एकेडमी पे, तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, उस पर कॉल करके आप और भी जो भी इन्फॉर्मेशन इस बारे में जानना चाहते हैं आप कॉल कीजिए और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कटाव हम लोग जब छोटे छोटे थे जब ही से हुआ था, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। और इससे परेशानी है कि जो हमारे घर में या हमारे परिवार में या किसी का भी हमारे गांव ग्रामीण से बीमार उमार पड़ जाए तो यहाँ ले जाने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लगभग इस कटाव से उस साइड कितने बस्ती होंगे, मतलब घर? कम से कम मान लीजिए ना 150-200 के बीच में है बस्ती उधर जो बसे हुए हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानियां होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा। जब कोई अगर बीमार पड़ जाता होगा तो फिर कैसे इसका सामना करते? यही होता है जो हम ग्रामीण मिल के यहाँ से चरपाई पे या किसी तरह उठा के इस पार करते हैं इधर को। गाड़ी उड़ी का तो कोई सुविधा है नहीं जो हम लोग यहाँ पे करते हैं, गाड़ी इस कटाव से इस पार ही रह जाता है, उस पार के लोगों का कोई हेल्प मिल नहीं पाता है, बहुत ज्यादा इससे परेशानी होती है इस कटाव से। तो ये पूरी बरसात में तो लगभग 3-4 महीना अभी पूरी बरसात बाकी है, उसके बावजूद बच्चे की पढ़ाई भी तो बाधित हो चुका होगा। इससे बच्चे को पढ़ाई तो बिल्कुल सोचिए मत कि यहाँ पर पढ़ाई का भी सोचो, क्योंकि इसमें लग रहा है आपको कि पढ़ाई में हो सकता है, क्योंकि अभी तो वैसे लॉकडाउन से परेशानी थे, प्लस ये बरसात हो गए तो यहाँ पे इतने परेशानी हो रही है कि कोचिंग तक बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं यहाँ गाँव में जाके। क्यों? क्योंकि यहाँ कटाव हो चुका है धौस नदी के कारण, ऐसे हुआ है जो आज तक कोई सरकार या कोई ग्रामीण ही जो अपना बल पे बूते पे जो अपने साथ बना के बनाते हैं, और आज तक कोई सरकार से नहीं हेल्प मिला नहीं कुछ मिला यहाँ पे। तो आप आगे सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम यही मांग चाहते हैं कि जो हमारा ये रोड सही कर दे, कि जो हम लोग को कल जाके कोई परेशानी ना हो, यही मांग चाहते हैं हम। आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार यादव है। मामला है यहाँ धौस नदी के कटाव के कारण हम लोग का रास्ता अवरुद्ध हो गया है, हम लोग का आने जाने का भी बहुत कष्ट हो गया है, बौर बीमारी भी घर में रह दिक्कत काट रहा है, दवा के भी उपलब्ध नहीं है। तो फिर आप लोग इस साइड से उस साइड जाने कैसे जाते हैं? हम लोग देखते हैं जब बहुत हेल के दिक्कत करके जाते हैं आते हैं, वो भी दो दिन के बाद में हम लोग का जाना आना भी बंद, हम लोग का आने जाने के लिए समस्या बहुत हो चुका है। आज तक कोई इस पर निगरानी भी आज तक लड़ने कोई विधायक चाहे कोई एमपी या चाहे एमएलए चाहे सरकार इस गांव के देख रेख इस नदी के किया है। हम लोग ग्रामीण मिल करके आज ने 20 साल से बना रहे हैं।